ऊपर से देख लिया तो नीचे आके दरवाजा भी खोल दो। खोल रही हूँ बाबा, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुमसे भी हटो। यासिर, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? आज तो आपका इंटरव्यू था, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो आप इतने गुस्से में आए? हाँ, नहीं मिली जॉब, पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। हर तरफ जुल्म और नाइंसाफी के बादलों ने जकड़ा हुआ है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अब जॉब ढूंढने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आप इतने मायूस क्यों हो रहे हैं? आप खुदा की कुदरत पर पूरा भरोसा रखें, इंशाल्लाह वो आपको जरूर जॉब दिलवाएगा। मेरी तकदीर में सिफारशी लोग नहीं है, जॉब तलाश करने जाओ कह देंगे सिफारिश है कोई। यहाँ पर मेरिट पर कोई चीज नहीं मिलती। और तुम अपने ये बकवास सवालों के बौछाड़ बंद करो, जाओ यहाँ से, एक कप चाय बना के लाओ। अच्छा अच्छा, लेकर आ रही हूँ चाय, इतना गुस्सा तो ना हो। तुम्हारे साहबजादे कहाँ हैं? निकला हुआ होगा दोस्तों आवारा गर्दी करने के लिए। यहाँ बाप बेरोजगार है, उसे आवारा गर्दी से फुर्सत ही नहीं है। कहाँ गए? वो मैं आपको बताना भूल गई थी कि समीर को मैंने चाय की पत्ती लेने के लिए भेजा है, वो बस आता ही होगा। तुमसे एक कप चाय मंगवाई थी, वो भी तुम टाइम पर नहीं ला सकती? एक तो यहाँ टाइम पर कोई चीज़ मिलती नहीं है, एक जॉब मिली थी वो भी चली गई, ढूंढने जाओ वो भी नहीं मिलती, बस एक बेकार बीवी मिल गई है मुझे। यासिर, आखिर आज आपको हो क्या गया है? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? यूँ गुस्सा करने से और चीखने चिल्लाने से तो आपको जॉब नहीं मिलेगी ना। आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह आपको जॉब आज नहीं तो कल ज़रूर मिल जाएगी। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। तुम तो समझोगी नहीं, मैं कुछ कर लेता हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मारोगी तुम? यासिर, यासिर प्लीज दरवाजा तो खोलें, प्लीज अपने साथ कुछ करना लीजिएगा। यासिर दरवाजा खोलो। पता नहीं क्यों इतने मायूस हुए, मैं इतना गुस्सा आया हुआ है। यार अल्लाह, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? आपके पास गाड़ी, बंगला, पैसा, दौलत सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। टूटी सी बाइक और किराए का घर। यासिर, यासिर बाहर देखें कोई आया है। कौन आया इस टाइम? तुम खुद देख लेती, मुझे सोते में उठाया। चल चल चल, बैठ अंदर जा, छोड़ लेकर आ सारा सेवर, सारे पैसे सब लेकर आ अंदर से, जल्दी 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 जल्दी। बेरोजगार घूम रहा हूँ, हमारे घर में कुछ भी नहीं बेटा। मुझे नहीं करवा, चुप, इसमें डाल, इसमें सही से बात, इन्हें छोड़ दो प्लीज, इन्हें कुछ ना बोलो, चुप, जल्दी बांध इसे, सारे जमा पूंजी ले जाओगे, जल्दी आकर इधर बैठ इधर आके, जल्दी जल्दी हिलना नहीं, अगर किसी को कॉल की ना जान से मार दूंगा, घर देख लिया मैंने, हिलना नहीं यहाँ से, हिलना नहीं, हिलना नहीं, यासिर इतनी बड़ी वारदात हो गई है, खुदा का वास्ते 15 पे कॉल करो, पुलिस बुलाओ, कुछ तो करो।
तुम तो चुप करो, सोच रहे हो मुझे क्या करना है। अरे फोन भी दे दिया क्या सारे तुमने? लगता है ये फोन बज गया। देखें देखें किसका फोन है। जी कौन बात कर रहे हैं? हाँ भाई मैं समीर का वालिद बात कर रहा हूँ। क्या हुआ समीर? क्या हुआ समीर को? हाँ समीर का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह समीर का एक्सीडेंट हो गया? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कौन सा हॉस्पिटल में? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? कौन सा हॉस्पिटल? कौन सा? क्या कह रहे ठीक तो है ना समीर? समीर का एक्सीडेंट हो गया है। चले जल्दी चले जल्दी चले हॉस्पिटल चले जल्दी जल्दी पर एक बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हुआ समीर नाम उसका समीर 18 साल का है। समीर कार एक्सीडेंट? जी 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 ये सामने ही आ रहा है। डॉक्टर क्या हुआ है मेरे बेटे को? डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कैसा है? आप हैं मामा बच्चे? जी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपका बच्चा दुनिया में नहीं। नहीं डॉक्टर नहीं ऐसा नहीं बोलो डॉक्टर नहीं ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जो तूने मेरा इकलौता बेटा भी छीन लिया। समीर सादिया यार सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, कोई दर्द की गोली ला दो। ये लीजिए यासिर, आजकल आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है, आप अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते? बिल्कुल अपनी केयर नहीं करते, प्लीज़ आप कल ही जाएं टेस्ट करवाने अपने। अरे तुम तो खामोश हो जाओ, वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। अच्छा कल चला जाऊँगा टेस्ट करवाने। यासिर ये आपकी रिपोर्ट्स आई हैं। हाँ। क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आखिरी स्टेज पर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। साथिया नहीं, खुदा के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, सब गलत बात है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ, एक के बाद दूसरी मुसीबत। समीर सादिया समीर जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा समीर समीर मेरे बेटे तू सही है? जी अब्बा मैं ठीक हूँ, आप क्यों इतने घबरा रहे हैं? ये तो है, क्या हो गया आपको? सब ठीक तो है ना, आप क्यों इतने बौखलाए हुए हैं? खैरियत है? हाँ
मैं ठीक हूँ। आज मैं शैतान की बहकाए में आ गया था और मायूसी में चला गया था। आज काफ़ी दिनों के बाद जब मैं जॉब के लिए घर से निकला तो लोगों ने मुझसे सिफारिश मांगी, मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनसे झगड़ पड़ा। उसका सारा गुस्सा मैंने घर पे आके निकाल दिया और मैंने अपने रब से भी बहुत शिकवा शिकायतें कर डाली, मगर मेरे परवरदिगार ने मुझे बता दिया कि मैं गलत हूं। सादिया, खुदा ने हमें जो नहीं दिया ना वो बहुत थोड़ा है और जो दिया है ना वो बहुत ज्यादा है। कसम से मैं अगर सारी जिंदगी भी उसका शुक्र अदा करूं तो नहीं कर सकता। मैं आज के बाद कभी नाशुक्री नहीं करूंगा, मैं उसका शुक्र अदा करता रहूंगा और किसी से कोई मुकाबला नहीं करूंगा। नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है मेहरबानी, तेरा शुक्र। अल्लाह ने हमें सेहतमंद अच्छी सेहत दी है, हम साहिब औलाद हैं माशाल्लाह, इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं, इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं।